नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SS इंफ्राटेक पर एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानपुर में एक्सप्रेसवे के तर्ज पर बनने वाले 6 लेन के आउटर रिंग रोड और उसके अपडेट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कानपुर की रिंग रोड को लेकर तेजी से औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। रिंग रोड के लिए चिन्हित भूमि के अधिग्रहण से पहले कानपुर नगर देहात और उन्नाव जिले के अधिकारियों के साथ मंथन में जुटा है। उसके बाद संचेड़ी से रुमा होते हुए उन्नाव के आजाद नगर मोड़ से मंदना तक भूमि का अधिग्रहण करेगा। मुआवजे का चेक नवंबर से काटना शुरू करेगा ताकि निर्माण कार्य अप्रैल 2023 तक एक साथ शुरू हो जाए। कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव से होकर गुजरने वाली 93 किलोमीटर के रिंग रोड के 6 लेन का निर्माण कार्य एक्सप्रेसवे की तर्ज पर एक साथ करने के लिए NHAI मुख्यालय से अनुमति मिल गई है। इसके लिए 700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है और इसकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने नोडल अफसर भी नामित कर दिए हैं जो आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। अब चिन्हित भूमि न कोई खरीद सकता है और न कोई बेच सकता है। कानपुर रिंग रोड के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट व डिज़ाइन भी तैयार हो चुका है। कानपुर नगर के संचेड़ी से कानपुर देहात से लेकर रुमा, रुमा से होते हुए उन्नाव जिले के आजाद नगर मोड़ और फिर आजाद नगर मोड़ से कानपुर के मंदना तक 70 किलोमीटर रिंग रोड के लिए भूमि का अधिग्रहण एक साथ किया जाएगा। NHAI ने मंदना से संचेड़ी के बीच 23 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण का गजट पहले ही कर दिया था। कानपुर रिंग रोड के लिए पहले अलग अलग हिस्से में भूमि का अधिग्रहण होना था, लेकिन अब एक साथ भूमि का अधिग्रहण होगा। अब रिंग रोड प्रोजेक्ट पर तेजी आई है। इस हिसाब से काम चलता रहा तो नवंबर से मुआवजे के भुगतान के लिए चेक भी काटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि NHAI को हर हाल में अप्रैल 2023 में कार्य शुरू करना है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही अन्य रिंग रोड प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट और अन्य परियोजनाओं पर उनसे जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।